नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग दाल की नमकीन। बहुत ही अच्छी नमकीन बनती है और बड़ी आसानी से बन जाती है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने साबुत मूंग को धोकर पानी में भिगो दिया। इसमें हमने आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला और मिला दिया। दाल को हमने 6-7 घंटे पानी में भीगने दिया। इसके बाद पानी निकाल दिया और दाल को अच्छी तरीके से धो लिया। धुली हुई दाल को सूती कपड़े पर डाला, पोंछ लिया, पानी सूखने तक सुखा लिया, यानी कि 10-15 मिनट उसे हवा में छोड़ दिया। ये हमारी भीगी हुई और पानी सुखाई हुई दाल है। अब हम इसे तलेंगे। तो तेल गरम कर लेते हैं। तेल काफ़ी गरम हो गया है, हाथ इस तरीके से ले जाकर देख सकते हैं, हीट आ रही है इतनी दूर तक। और एक हम दाल का दाना भी डाल के देख लेते हैं। दाल का दाना तुरंत ऊपर आ रहा है, तेल अच्छा गर्म है। हम इसमें दाल को तलने के लिए डालते हैं, तो हम आधी दाल डाल देते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि तेल कितना ऊंचा जा रहा है और इसमें से दाल भी थोड़ा सा लगता है कि चटक सकती है। तो ये थाली हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि छींटे हमारे ऊपर ना आए। चटकने की आवाज़ बंद हो गई है। अब हम थाली हटा देंगे और मूंग को इस तरीके से थोड़ा हिला देंगे। हमें मूंग को तेल के झाग खत्म होने तक और मूंग को तेल के ऊपर तैरने तक पकाना है। तेल में जो झाग थे वो ख़त्म हो गए हैं और मूंग पूरी तैरती दिखाई दे रही है। हम चाहे तो इस तरीके से एक दो दाने निकाल कर चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं। पहले तो हम मूंग की नमकीन को इस स्ट्रेनर में ही निकालते हैं जितनी आ जाए। और इसके बाद स्ट्रेनर को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और कलछी से मूंग उठाकर स्ट्रेनर में डालेंगे। सारे मूंग हमने स्ट्रेनर में डाल दिए, तेल पूरा नीचे चला गया है। अब हम ये मूंग छलनी में रखेंगे और नीचे प्याला रखा है। अगर इसमें तेल और है तो छलनी से नीचे प्याले में चला जाएगा। तेल को थोड़ा सा और 1-2 मिनट गर्म होने देते हैं, क्योंकि हमें दाल तलने के लिए अच्छा गर्म तेल चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी लेंगे और तेल जो हम कढ़ाई में भर रहे हैं वो 1/3 कढ़ाई तेल होना चाहिए, आधी कढ़ाई से भी कम तेल होना चाहिए, क्योंकि ये तेल उछल कर काफ़ी ऊंचा आता है। तेल गर्म हो गया है, ये बचे हुए मूंग भी डाल देते हैं और फिर से वही थाली को थोड़ा सा इसके ऊपर रख लेंगे ताकि तेल हमारे ऊपर ना उछले। ये दाल हमने तलकर तैयार कर ली और एक बार की दाल तलने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। दाल हल्की सी ठंडी हो गई है और हम नीचे प्याले में देखें तो बिल्कुल 1/2 चम्मच तेल भी निकल आया है। दाल अगर हम छलनी में इस तरीके से उछालें तो आवाज़ आ रही है, दाल अच्छी कुरकुरी सिककर तैयार हुई है। दाल को हम दूसरे प्याले में डाल देते हैं और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। मसाले में हमने 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये हमने 1/3 1/3 छोटी चम्मच नमक लिया है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। इन सब मसालों को मिला लेते हैं। दाल में मसाले हम अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हम इसे ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं, काली मिर्च और डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। और हम तीखा पसंद नहीं करते तो सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के दाल में मिलाकर नमकीन बना सकते हैं। तो ये मसाला हम दाल में डाल देंगे और इसे मिलने तक मिलाएंगे। साबुत मूंग दाल नमकीन तैयार है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप साबुत मूंग को पानी में भिगोएं तो बेकिंग सोडा ज़रूर डालें। भीगने के बाद दाल को कपड़े पर डालें, पोंछें, पानी सूखने तक सुखाएं। तलते समय तेल बहुत अच्छा गर्म हो तभी दाल तलने के लिए डालें। अगर तेल कम गर्म होगा और दाल तलने के लिए आप डाल देंगे तो दाल
कड़क हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाल को छलनी में निकालें ताकि एक्स्ट्रा तेल उसे बाहर चला जाए। इसके बाद मसाले मिलाएं। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद दाल को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 2-3 महीने तक इसे खाएं। तो आप साबुत मूंग दाल नमकीन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।